अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम अपनी वादिया स्टोर टूर सीरीज़ की चौथी किस्त के साथ एक बार फिर आपसे मिल रहे हैं। वादिया स्टोर टूर सीरीज़ की अगर पहली तीन किस्त आप लोगों ने नहीं देखी तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक्स को क्लिक करके आप पहली तीन किस्त देख सकते हैं। दरबार होटल गोरीकोट से सुबह का नाश्ता करके हम देवसाई की तरफ निकल रहे हैं। दरबार होटल के कमरे मुनासिब थे और एक कमरे का किराया 2500 रुपये था। आज की हमारी मंजिल देवसाई में मौजूद बड़ा पानी नामी जगह है, जिधर आज हमारा नाइट स्टे होगा। देवसाई पहुंचने के दो रास्ते और तीन तरीके हैं, इनके बारे में मज़ीद हम आगे चल के आपको वीडियो में बताएंगे। मगर उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारा चैनल सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक और शेयर कर दें, ताकि हम मज़ीद मेहनत करके इस तरह की मज़ीद वीडियोज़ आप तक पहुँचाते रहें। शुक्रिया। देवसाई तीन तरीके से पहुँचा जा सकता है। पहला तरीका बजरिया PIA फ़्लाइट स्कर्दू पहुंचा जाए और वहां से देवसाई। दूसरा तरीका गिलगित बल्तिस्तान में चलने वाली नेटको नामी सरकारी बस सर्विस से अस्तौर या स्कर्दू पहुंचा जाए और वहां से बजरिया जीप देवसाई तक जाया जाए। और तीसरा तरीका अपनी जाती सवारी पर अस्तौर या स्कर्दू पहुँच कर वहाँ से देवसाई तक पहुँचा जाए। देवसाई पहुँचने के दो रास्ते हैं, एक रास्ता बजरिया अस्तौर चिलम रोड और दूसरा रास्ता बजरिया स्कर्दू सतपारा रोड है। देवसाई प्लेन्स तक मुनासिब ग्राउंड क्लियरेंस वाली टू व्हील गाड़ियां भी आराम से पहुंच सकती हैं। देवसाई तक टू व्हील गाड़ी ले जाने के लिए अस्तौर चिलम रोड ज़्यादा मुनासिब है, क्योंकि स्कर्दू वाली तरफ से देवसाई की चढ़ाई इंतहाई मुश्किल है और सड़क इंतहाई तंग। देवसाई तक पहुंचने के लिए जीप आपको अस्तौर चिलम और स्कर्दू से बआसानी मिल सकती है, जो आपसे 12 से 18,000 रुपये लेकर आपको देवसाई घुमा कर ले आएंगी। नज़ारे इतने कमाल हों तो थोड़ी सी मौज मस्ती तो बनती है। अस्तौर चिलम रोड पर सफ़र के दौरान मौसम में ठंडक और नज़ारों की खूबसूरती दोनों ही आपको खूब मिलेंगे। हमारे मुल्क में मौजूद ऐसे तरह तरह के खूबसूरत तरीन मनाजिर देखकर ज़बान से सिर्फ सुबहानअल्लाह के कलमात ही निकलते हैं। यहाँ आपको बताता चलूँ कि अगर आपका देवसाई घूमने का इरादा है तो अपने साथ गर्म कपड़े और बारिश से बचने का कुछ सामान लाजमी साथ रखिएगा, क्योंकि देवसाई में ठंड काफ़ी ज़्यादा होती है और यहाँ का मौसम किसी भी लम्हे बदल सकता है। इस वक्त हम चिलम चौकी पहुँच चुके हैं और यहाँ जीप वाले से 11,000 रुपये किराया मुकाकर अब हम अपना सामान जीप पर लोड करने लगे हैं। ये हमारे सामने इस वक्त देवसाई नेशनल पार्क की दाखिली चेक पोस्ट है, जहां 300 रुपये एंट्री फीस भरकर हम नेशनल पार्क में अपना सफ़र शुरू करेंगे। देवसाई के इलाके को नेशनल पार्क का दर्जा 1993 में मिला, जिसका मकसद यहां पाए जाने वाले ब्राउन बेयर की कुदरती पनागाहों की हिफाजत करना और ब्राउन बेयर की तादाद में इजाफा करना था। इस इलाके को नेशनल पार्क का दर्जा मिलने के बाद यहां ब्राउन बेयर की तादाद जो सिर्फ 19 रह गई थी अब कई गुना बढ़ चुकी है। देवसाई में ब्राउन बेयर के अलावा हिमालयन आइबेक्स, कश्मीरी हिरन, स्नो लेपर्ड, हिमालयन वुल्फ और हिमालयन मारमोट जैसे जानवर भी काफ़ी तादाद में पाए जाते हैं।
देवसाई नेशनल पार्क में पौधों और जानवरों की बेशुमार अकसाम पाई जाती हैं। देवसाई नेशनल पार्क गिलगित बल्तिस्तान के अजला स्कर्दू, अस्तोर और खारमंग के दरमियान फैला हुआ है। यह इलाका सतह समंदर से 13,500 फुट की बुलंदी पर वाकया है और 843 मरबा किलोमीटर के वसी इलाके पर फैला हुआ है। देवसाई की शदीद ठंड में जीप की छत पर बैठकर सफ़र करने के एडवेंचर का मज़ा ही कुछ और है। इस वक्त आप लोग अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं देवसाई की सबसे बड़ी और खूबसूरत सेवशर झील का पहला नज़ारा। सेवशर झील सतह समंदर से 13,600 फुट की बुलंदी पर वाकया एक पुरेसरार झील है, जिसके बारे में यहाँ के मकामी लोग आपको तरह तरह की कहानियाँ सुनाते नजर आएंगे। इस वक्त हम पहुँच चुके हैं सेवशर झील के व्यू पॉइंट पर। नाज़रीन, अब आपके सामने पेश है सेवशर झील का तलस्माती नज़ारा। लफ्ज़ सेवशर शीना ज़बान का लफ्ज़ है, जिसके मायनी हैं अंधी झील के। सेवशर को अंधी झील इसलिए भी कहा जाता है क्योंकि दूर से देखने पर इसका पानी काला नज़र आता है। सेवशर झील पर मतला आबर आलूद और मौसम इंतहाई ठंडा था। अब अगर ऐसा मौसम हो और शीशे के दो कश भी ना हो तो पैसे पूरे किस तरह होंगे। चिलम चौकी से 2 घंटे का सफर करके हम इस वक्त पहुंच चुके हैं छोटे पानी नामी जगह पर। यहाँ आपको चंद टेंट और खाने पीने का कुछ सामान मिल सकता है। सतह समंदर से हजारों फुट बुलंदी पर वाकया देवसाई के ये शानदार ना ख़त्म होने वाले मैदान देखकर इंसान वाकई अल्लाह ताला की कुदरत का मज़ीद मोतरफ हो जाता है। एक चीज़ जो इंसान को मज़ीद हैरत में मुब्तला कर देती है वो ये कि किस तरह अल्लाह ताला ने हिमालय जैसे अजीम शान पहाड़ी सिलसिले से भी ऊपर ये वसी व अरीज़ मैदान तख्लीक किए। नाज़रीन, इस वक्त शाम के 6 बज रहे हैं और हम लोग बड़ा पानी देवसाई पहुंच चुके हैं। यहाँ पर 3,000 रुपये पर नाइट टेंट का किराया अदा करने के बाद हमने जीप से अपना सामान अनलोड किया, सामान सारा टेंट तक पहुँचाया और ठंड से बचने के लिए जल्दी जल्दी अपने अपने टेंट में घुस गए। आज की ये किस्त यहाँ इख्तिताम पज़ीर होती है। उम्मीद है आपको आज की हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी आज की ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ हमारा चैनल सब्सक्राइब कर दें। आपसे इंशाल्लाह जल्द मुलाकात होगी अगली किस्त की एक नई वीडियो के साथ। जब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।